कश्मीर में नाव कहते हैं और उर्दू में कहते हैं शिकारा। गाइस ये मैंने आपको कभी नहीं बताया है, ये पूरा वायरल। आपने नहाया है इसमें? हाँ नहाया है। कब? गोल मार्केट, ये ना पूरा गोल ही है। ठीक, सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस घर पे ना सुबह से थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से सुबह से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। अभी कितना टाइम आ चुका है? अभी 5:30 साढ़े पाँच। तो अब जा रहे हैं हम कहीं पास में ही जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका। फिलहाल हम जाते हैं नजदीकी, लेकिन हम जल्दी प्लान करेंगे कहीं दूर जाने का, क्योंकि ना दिन ज्यादा होता है तो फिर पता है ना, आज जल्दी वो शाम हो जाता है ना, इसी वजह से अभी थोड़ा सा प्लीज गाइस ज्यादा एडजस्ट कर लिए, एक दो दिन के बाद हम करेंगे प्लान कहीं दूर जाने का। चलो अभी पास में जाते हैं। गाइस अभी हम आए करण नगर, यहाँ पे ना बहुत ही फेमस है, यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक्स मिलती है, गाड़ियाँ ये सब मिलती है। तो ये देखिए, ये रहा यहाँ पे गोल मार्केट, यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक्स ये सब मिलती है। ये देखिए यहाँ से सेकेंड हैंड बाइक स्कूटी जो भी आपके लेना हो, गाड़ियाँ भी वहाँ से भेजे सेकेंड हैंड। ये देखिए, ये रहा करण नगर का गोल मार्केट, ये ना पूरा गोल ही है। ठीक है, वहाँ से भी इसको मार्केट ही है पूरा गोल, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा है गोल मार्केट। और ये देखिए हर तरफ से यहाँ से बाइक से सब मिलती है, और यहाँ से भी कुछ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये देखिए रोड का ही कुछ काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी वर्क है यहाँ पे। बाकी अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का मार्केट थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ से सेकेंड हैंड बाइक्स का मार्केट है, ये देखिए हर तरफ से। ये देखिए गाइस कितनी सारी बाइक स्कूटी यहाँ से मिल रही है। हाँ जी, ड्रीम बाइक। अरे हिमालयन मत दिखाया करो, मेरा दिल टूट जाता है। सेकंड हैंड मिल जाती है, अब मजा आ जाता है, कल हम लद्दाख निकलते फिर। MT50 ना, ये भी मस्त बाइक है ना, जबरदस्त। यहाँ पे ना शॉप वाले वीडियो अलाउ नहीं करे उठाना, लेकिन यहाँ पे करण नगर में क्या है ना, यहाँ पे ना कार सेकंड हैंड कार एंड बाइक का हब है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है श्रीनगर में। क्यों सदर भाई? हाँ सही बात। क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पर सेकंड हैंड बाइक्स भी आपको अवेलेबल मिलेगी और गाड़ियाँ भी, फॉर्च्यूनर भी आपको, और इवन अगर आप चाहते हो कि महंगी से महंगी गाड़ी वो भी मिलेगी। हाँ सब कुछ ना A to Z यहाँ पे मिलता है, सेकंड हैंड गाड़ी बाइक्स है ना। यहाँ पे क्या रेट्स होती है बाइक्स की? डिफरेंट रेट्स है जिस हिसाब से बाइक लेंगे, मॉडल जिस हिसाब से बाइक लेंगे, क्या कंडीशन होगी वो खुद देखना पड़ेगा। कंडीशन आपको यहाँ पर कि हर किसी दुकान पे ना अच्छी मिलेगी। हाँ वो बोलते भी है ऐसी है वो है क्या। गाइस अभी हम पहुंचे नीलम चौक के पास, अब हमने आपको सेकंड हैंड बाइक से सब का तो मार्केट दिखाया, अब हम आपको दिखाते हैं कि बाइक कहाँ पे रिपेयर ये सब करते हैं। तो ये देखिए ये रहा नीलम चौक, यहाँ पे ना जैसे वो हब बना था ना, वैसे यहाँ पे भी हर तरफ से यहाँ पे बाइक से सब रिपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं ना बाइकर्स, ये सब उनका ये हमेशा सवाल रहता है कि कहाँ पे यहाँ श्रीनगर में बाइक से सब रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए नीलम चौक इसको बोलते हैं, किसी से भी आप पूछ लो नीलम चौक। ये देखिए यहाँ पे ना एक पूरा रोड ही है जहाँ पे खाली बाइक से सब रिपेयर करते हैं। ये तो था नीलम चौक शहीदगंज, अब किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे बाहर से भी जो लोग आते हैं ना यहीं पर रिपेयर ये सब करवाने आते हैं। ये देखिए सामने हिमालयन जा रही है, ये भी बाहर से आया है यहाँ पे रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो गाइस अभी हम पहुंचे श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, वेलकम टू जहलिम राजबाग रिवर फ्रंट, मतलब रिवर फ्रंट ये ना, यहाँ पे जहलिम है। यहाँ पे आपको पता है बहुत बार दिखाया मैंने आपको, यहाँ से स्मार्ट सिटी का वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है राजबाग के साइड, ये देखें। और यहाँ से देखिए जहलिम रिवर, रिवर फ्रंट यहाँ से देखिए गाइस शिकारा चल रही है यहाँ से देखिए। इससे आपको पता ही है स्मार्ट का वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, शाम के टाइम आपको पता ही है कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये आगे वहाँ से शिकारा, ये देखिए, ये देखिए गाइस शिकारा राइड करें। हाँ आज हम शिकारा राइड भी करेंगे। करेंगे, बहुत टाइम हो गया आज। चले फिर रिवर क्रॉस करके यहाँ, ये देखिए आज हम रिवर क्रॉस करके, मुझे लगता है आज हम जाएंगे घंटाघर रिवर क्रॉस करके। क्यों? हाँ, आज हम घंटाघर है ना, रोज जाते ना वहाँ रोड से, आज हम पानी में से जाएंगे। चलिए जी गाइस जाते हैं शिकारा में। अरे भाई साहब आ जाओ सदर भाई, शिकारा राइड हो जाएगी। हेलो जुबैर भाई, क्या हाल है? तो देखिए यहाँ से बड़ी हाउस बोट है और यहाँ पे ना रिवर क्रॉस करती है खाली यहाँ पे, ये देखें रिवर क्रॉसिंग। आज हम हिमालयन पे नहीं करेंगे, आज हम करेंगे शिकारा में रिवर क्रॉसिंग। आज जुबैर भाई खुद बैठ गया नाव चलाने, कश्मीर में नाव कहते हैं और उर्दू में कहते हैं शिकारा। वेरी गुड, वेरी। तो यहाँ पर भी मैंने
हमने ना यहाँ पर बेट लगाई थी, तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी सारी हाउस बोट्स हैं, क्रॉस करेंगे, लेकिन यहाँ से फिर पुलिस आ गई तो फिर जाना पड़ा। सादत भाई ये कितना गहरा होगा यहाँ पर? अरे मत पूछो, बहुत की आधी जगह 100 है, आधी जगह 500 है, आधी जगह लगता ही नहीं है, मतलब कुछ है। आपने नहाया इसमें? हाँ नहाया। कब? लगभग 1 साल हो गया। सच में? सही है सादत भाई, इसमें भी नहाया। ये देखिए तो बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी रिवर है ना ये कश्मीर की, जहलम रिवर। चले जी गाइस, फाइनली पहुंचे हम। बहुत तो फाइनली पहुंचे, पहले नाव से उतरेंगे और देखेंगे कितना। आज कुछ देना पड़ेगा दोनों का 20 रुपीज, 10 रुपीज पर पर्सन। ये देखिए गाइस, 10 रुपीज पर पर्सन रिवर क्रॉस करने के। क्या है? मछलियाँ। हाँ मछलियाँ तो होगी। सादत भाई अब कहाँ की तरफ आप जा रहे हो? घंटाघर। हमेशा ना हम रोड से ही जाते हैं घंटाघर, आज हम आए शिकारा राइड करके, रिवर क्रॉस करके। तो ये देखिए, ये रहा यहाँ से बंड। यहाँ पे देखिए जहलम में कितने सारे हाउस बोट्स है, ये देखिए हर तरफ से। यहाँ पे रूम्स भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना यहाँ पे पर्सनल हाउस बोट्स होते हैं, मतलब वो खुद के रहने के लिए इनको, ठीक है। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे। ये देखिए गाइज, इससे पहले भी मैंने आपको बोला हाउस बोट के ऊपर ये देखिए टेरेस भी होते हैं। यहाँ पे ना कैफे है, ऐसी बहुत सारे हाउस बोट में ऐसे टेरेस बना हुआ होता है, तो मतलब फुल एंजॉय हाउस बोट में चढ़ के भी। तो गाइज ये देखिए हम कहाँ पे पहुँचे, बिल्कुल प्रताप पार्क के सामने। सर भाई अभी कितना चलना है हमको? अभी बस 1 किलोमीटर और चलना है। बस यहाँ से दिखाई दे रहा है घंटाघर थोड़ा बहुत। हाँ आप बोल रहे थे ना जो येलो पाथ है ना यहाँ से, ये ब्लाइंड पर्सन के लिए। हाँ हाँ। रेड पाथ उनके लिए जो चलना नहीं चाहते। चलना नहीं चाहते, डेंजर जोन, सामने से पोल है, टक्कर आ सकती है। ये देखो रेड पाथ, इसके ऊपर मत चलो। तो गाइज अभी हम पहुंचे मका मार्केट, और ये देखिए स्मार्ट सिटी के बाद बोलते थे कि ऐसा बनेगा मका मार्केट, लेकिन अभी ना यहाँ पे स्मार्ट सिटी का वर्क नहीं हुआ है। ये देखिए अभी कुछ ऐसा है मका मार्केट, और स्मार्ट सिटी के बाद बोल रहे थे कि ये ऐसा बनेगा, मतलब वर्क होने के बाद, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं हुआ है। ये देखिए मका मार्केट। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम घंटाघर क्लॉक टावर। ये देखिए यहाँ से मार्केट। चलो सादत भाई चलिए, कहाँ जाना है? अभी जाएंगे LCD के पास, लार्ज स्क्रीन जो है। ओके, वहाँ पर भी देखेंगे मूवी। हाँ ये देखिए गाइस यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है टूरिस्टों की। आज हम ऐसे आए शिकारा राइड की, और यहीं से आए घंटाघर। यहाँ से फाउंटेन का वर्क अभी भी चल रहा है, और ये रहा लाल चौक। और अब मुझे नज़र पड़ी है जो यहाँ पे सीट्स लगाई गई है ना, उसके नीचे भी लाइट्स है। ये देखिए जो यहाँ पे चेयर्स लगाई गई थी उसके नीचे भी लाइट्स है, उस साइड भी। सरद भाई फाउंटेन था ना, म्यूजिकल फाउंटेन, फाउंटेन हटाया गया क्योंकि उसका पानी ना बाहर से ज्यादा था। हटाया गया? अरे उसका फोर्स ज्यादा था। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे चेयर्स लगाए गए थे ना, उसके नीचे भी लाइट्स है। अरे हाँ भाई, चेयर्स के नीचे भी लाइट लगाई गई है। जी मैंने आपको कभी नहीं बताया है, ये पूरा वायरलेस है। पहले ना वो बनाया गया था श्रीनगर का पहला वायरलेस मार्केट, वो था पोलवी का मार्केट। उसके बाद ये है घंटाघर। ये देखिए यहाँ पे आपको एक भी वायर दिखाई नहीं देगी, कि पूरा वायरलेस है। यहाँ पे वायर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये वायरलेस मार्केट है। सही, वो कहाँ से जाती है फिर वायर्स? हमारे टांगों के नीचे से। टांगों के नीचे से जाती है। सही है, लेकिन यार ये चेयर्स ना बहुत ही मस्त लग रहे हैं। ये जैसे भी कैसी लाइटनिंग की गई है चेयर्स पे, ये वाला मेरे को मस्त लगा। सादत भाई अभी स्मार्ट सिटी दिखा रहे हैं, मैंने पूरा कवर करके रखा है। अभी यहाँ पे और कुछ काम नहीं हुआ है ना? नहीं, जब हुआ है थोड़ा बहुत वहाँ से होगा। हाँ वो मैंने दिखाया ना वीडियो में, बस आपने नहीं दिखाया था अभी, है ना? हाँ, मैंने नहीं दिखाया था। वही अब जब यहाँ पे और कुछ काम होगा ना, उस टाइम हम और आएंगे यहाँ पे। क्यों सादत भाई अभी हम फिलहाल जाते हैं? अभी हम जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थके हैं। हाँ डेली व्लॉग करते हैं तो ऑब्वियसली थक ही जाएंगे जी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ऑफिशियल सादत को सब्सक्राइब करो। उधर से हम शिकारा में है, यहाँ से जा रहे हैं फुटब्रिज से। ये देखिए ये रहा फुटब्रिज, और यहाँ से देखिए चिड़िया कितना शोर मचा रही है, और यहाँ पे भी लाइट से सब। ये देखिए
तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर। आज का वीडियो ना मैंने थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया क्योंकि दिन भर ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था घर पे, फिर पास में ही गए। लेकिन कोई नहीं, हम जल्दी कोई प्लान करेंगे कहीं दूर जाने का भी। तो अभी ना रात भी बहुत ही हो चुकी है, मैं करता हूँ फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हम लोग ख्याल रखें, खुश रहें।